नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज तक पर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सीधे जयपुर से, जहां हम मौजूद हैं उस अस्पताल के बाहर जहां दाखिल है ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी। वैसे जिस्म के जो जख्म हैं वो तो वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन जो जख्म दिलो दिमाग पर घर कर गया हो वो कहीं नहीं जाते हैं। और हेमा मालिनी शायद दौसा में हुए उस सड़क हादसे के दर्द को कभी नहीं भुला पाएंगी। जैसे कि उस परिवार की भी अगर हम बात करें जिन्होंने अपनी एक लाडली को हमेशा के लिए इस दुर्घटना में खो दिया। वैसे हेमा मालिनी अब ठीक है और बताया जा रहा है कि शायद शनिवार सुबह उन्हें अस्पताल से रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो वापस मुंबई के लिए रवाना हो पाएंगी। वो खूबसूरती की जीती जागती मिसाल, आज खूबसूरती ही हुई है जख्मी। वो देश की हीरोइनों के लिए मिसाल है, आज उन्हें हादसे और जख्म का मलाल है। उन्हें जाना तो जयपुर ही था, मगर उसी जयपुर में वो जख्मी हालत में पहुंचे। डॉक्टर्स दवा कर रहे हैं और उनके चाहने वाले दुआ। देश की सत्ताधारी पार्टी की वो सांसद है, इसलिए दिन भर सांसदों, मंत्रियों, विधायकों का हुजूम अस्पताल तक पहुंचता रहा। खुद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनका हाल जानने अस्पताल तक पहुंची थी। घबराए घर वाले मुंबई से भागे भागे अस्पताल पहुंचे। पति धर्मेंद्र के साथ बेटी ईशा हेमा के साथ साथ रही। हेमा ने सुबह नाश्ते में हल्का दलिया लिया, साथ ही डॉक्टरों की सलाह पर थोड़ा जूस भी पिया। दोपहर में भी उन्होंने हल्का खाना खाया। हेमा मालिनी हो चाहे ये सामने दुर्घटना से ग्रस्त दूसरा परिवार हो, राज्य सरकार के लिए सब एक है, क्योंकि वो हमारे सांसद है, पार्टी की प्रतिनिधि। इसलिए इस नाते अगर उनको देखा है और वो निजी चिकित्सालय में गई है तो उसमें कोई गुनाह नहीं किया। उनकी सेहत में तेजी से सुधार तो हो रहा है, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या उनकी वही खूबसूरती सलामत रहेगी। डॉक्टरों की माने तो 9 हफ्ते में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हेमा को हमेशा ही अपने लुक से खास लगाव रहा है, उनकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है। बढ़ती उम्र का असर भी ज्यादा नहीं होने दिया है। उनकी सेहत और खूबसूरती का राज नृत्य और योग में छुपा हुआ है, शायद यही रास्ता उन्हें फिर से सलामती की ओर ले जाएगा। हेमा मालिनी डांस के अलावा योग और एक्सरसाइज भी करती है। स्वस्थ रहने के लिए वो सही और संयत लाइफ स्टाइल के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देती हैं। यही वजह है कि हेमा की खूबसूरती कभी कम नहीं हुई। जब फिल्मों की भागदौड़ खत्म हो गई तब हेमा मालिनी ने सियासत का रुख किया। शुरुआत से उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, लेकिन हेमा मालिनी का असली सियासी सफर साल 2004 में शुरू हुआ जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। दूसरे फिल्मी सितारों की तरह हेमा मालिनी भी देखते ही देखते अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक बन गई। फिल्मों का जादू यहाँ भी दिखा। बीजेपी के प्रचार के लिए वो जहाँ जहाँ गईं, भीड़ उनकी तरफ खींचती चली आई। पार्टी ने हेमा मालिनी की सक्रियता और उनके योगदान को देखते ही 2010 में उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया। पार्टी के सहयोग से वो राज्यसभा के लिए भी चुनी गई, लेकिन सियासत में हेमा मालिनी ने असली मकाम 2014 के आम चुनाव में यूपी के मथुरा से संसदीय चुनाव जीत कर हासिल किया। फिल्मों से लेकर सियासत तक हेमा मालिनी की पहचान उस शख्सियत की बन गई है जिसका सफर कभी किसी मंजिल पर पहुंचकर खत्म नहीं होता। एक मंजिल मिलती है तो दूसरे की तलाश शुरू हो जाती है। सच मानिए, हेमा मालिनी की कामयाबी और उनकी जिंदगी का यही फलसफा है। उनके चाहने वाले यही चाहेंगे कि उनकी ये सोच और सुंदरता हमेशा कायम रहे। जयपुर से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो खून में लथपथ और दर्द से करा रही हेमा मालिनी के चेहरे को आपने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा और सबके मन में शायद ये टीस उठी कि क्या ड्रीम गर्ल का चेहरा एक बार फिर से बेदाग खिला खिला दिखेगा। वैसे जयपुर के इस अस्पताल के डॉक्टरों का दावा है कि 9 हफ्तों में हेमा मालिनी की शक्ल सूरत फिर पहले जैसे ही हो जाएगी।
खूबसूरती को लगी हादसे की नजर। क्या वापस मिलेगा हेमा का ड्रीम लुक? क्या से क्या हो गया? अगर नाम न बताएं तो शायद किसी के लिए भी ये समझना और जानना मुश्किल हो कि ये हेमा मालिनी की ही तस्वीरें हैं। उभरे हुए जख्म, दर्द और दहशत से पूरा हुलिया बिगड़ गया है। ये तस्वीरें हादसे के वक्त की हैं, मगर ताजा तस्वीरें भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। अगर कुछ बेहतर है तो बस ये खबर कि हेमा मालिनी अब ठीक हैं। डॉक्टर जो बोल रहे थे वो मेडिकल साइंस की भाषा है। चूंकि कोई खतरा नहीं है इसलिए अब वो ठीक हैं। मगर हकीकत ये भी है कि पिछली रात करीब 2 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला। 2 घंटे तक ऑपरेशन का मतलब आप खुद भी समझ सकते हैं। डॉक्टरों को उनका जख्म भी ठीक करना है और खूबसूरती को भी बरकरार रखनी है। हेमा मालिनी की नाक के पास हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तमाम सर्जरी, तमाम मेडिकल सुविधाओं के बावजूद फ्रैक्चर को ठीक करने में वक्त लगेगा ही। पूरी तरह दुरुस्त हो जाने के बाद अगला चरण आएगा ड्रीम गर्ल के ड्रीम लुक को फिर से वापस लाने का। जाहिर है प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी। खैर, सुबह हेमा मालिनी ने नाश्ता किया। बातचीत करने में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, मगर जो तकलीफ उनके जहन तक जा पहुंचा है उसे दूर जाने में वक्त तो लगेगा ही। जयपुर से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दूसरी ओर इस हादसे का शिकार हुए लालसोट के एक परिवार का बुरा हाल है। दर्द संभल नहीं रहा है, आंसू रुक नहीं रहे हैं। 2 साल की बिटिया चीमी अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं 5 साल का बेटा सोमिल अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और बार बार बहन से मिलने की गुहार लगा रहा है। और इस दर्द से जूझते हुए इस परिवार को इस बात का भी गुस्सा है कि प्रशासन हेमा मालिनी के ड्राइवर के साथ नरमी बरत रहा है। परिवार के साथ सफर पर निकली 2 साल की चिन्नी अपनी माँ की गोद में बैठी थी, पूरी सहजता और सुरक्षा के एहसास के साथ। उसके पिता हनुमान कार चला रहे थे। लालसोत से 40 किलोमीटर दूर दौसा में इस परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए कड़वी यादों में बदल गई। उनका सफर एक ऐसे हादसे में तब्दील हो गया जो ना चाहते हुए भी जिंदगी भर नासूर देता रहेगा। इस परिवार के 5 सदस्य ऑल्टो में सवार हुए थे, लेकिन सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी की मर्सिडीज कार के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में हेमा मालिनी और ड्राइवर खुशकिस्मत थे और एयरबैग्स ने उन्हें बचा लिया, लेकिन ऑल्टो में सवार खंडेलवाल परिवार के सिर पर तो जैसे मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उनकी 2 साल की मासूम बेटी चिन्नी को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि चिन्नी का 5 साल का भाई सोमिल आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। जब सीएम आई तो उस समय सारी सिचुएशन चेंज हो गई। सोमिल ने जब वहाँ वॉमिट कर दी थी बेडशीट पर, हमने कई बार उसे कहा यहाँ नर्सिंग कर्मी को कि आप वो बेडशीट चेंज कर दीजिए, कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और जब सीएम के आने का हुआ और पता चला कि सीएम सबसे पहले सोमिल से ही मिलेगी, तो तुरंत वो बेडशीट चेंज कर दी गई। इसके अलावा शिखा की, सीमा भाभी की, इन लोगों की बेडशीट भी चेंज कर दी गई, जो बाद में हटा ली गई। उन बेडशीट्स को हटा भी लिया गया उनके मैडम के जाने के बाद, सीएम के जाने के बाद। ऑल्टो सवार घायलों को शुरुआती जांच के बाद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया। चीनी की मां सीमा दहशत के साए में है। उन्हें तो ये तक नहीं बताया गया कि जिस बेटी को उन्होंने कुछ घंटों पहले बड़े लाड प्यार से अपनी गोद में बैठा रखा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। शिखा जी, इनको अभी तक होश नहीं आया। एक बेटी खत्म हो चुकी है, 1.5 साल की बेटी थी। वो अभी जानकारी तो इनको नहीं दी गई है? नहीं, इनको जानकारी नहीं दी, उसकी मम्मी को बिल्कुल जानकारी नहीं। हनुमान खंडेलवाल ने पुलिस को दिए अपने बयान में साफ साफ आरोप लगाया कि NH-11 पर एक यू टर्न पर उसकी कार को हेमा मालिनी की तेज रफ्तार मर्सिडीज ने टक्कर मारी। मैं तो बाईपास के लिए जयपुर से आते टाइम लालसोट बाईपास पे रोड क्रॉस करनी पड़ती है, रोड क्रॉस कर रहा था, तब तक गाड़ी वो मुझे दिखे नहीं थी। रोड क्रॉस कर रहा, अचानक से वो गाड़ी आई फास्ट और मेरी गाड़ी से टकरा गई बस।
ऑल्टो सवार परिवार का ये भी आरोप है कि उन तक एम्बुलेंस तक देरी से पहुंची। हालांकि खबर जब तेजी से फैली तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेमा मालिनी से मिलने से पहले खंडेलवाल परिवार को देखने अस्पताल पहुंच गई। इस परिवार के शरीर के जख्म तो शायद जल्द भर जाएंगे, लेकिन कलेजे पर जो जख्म है वो ताम्र ताजा रहेंगे। एक परिवार जिसने अपनी मासूम बच्ची को खो दिया इस सड़क दुर्घटना में, उनका आरोप है कि सरकार तभी चुस्त दुरुस्त नजर आती है जब मीडिया का दबाव बना हुआ रहता है। लेकिन यह परिवार अपने आप से भी शायद ये सवाल पूछ रहा है कि अगर मां ने बच्ची को गोद में बिठाने के लिए अपनी सीट बेल्ट को ना खोला होता, क्या उस बच्ची की जान बच पाती। इस हादसे से हर किसी के लिए कई सबक हैं सीखने लायक। ब्यूरो जर्नलिस्ट निखिल शर्मा के साथ स्मिता शर्मा, जयपुर आज तक। सवाल ये कि आखिर कैसे हुआ ये हादसा और कैसे हेमा मालिनी हुई सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त, और कैसे अपनी ही मां की गोद में सोई ही एक 2 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए देखते हैं आखिरकार कैसे हुआ एनएच 11 पर दौसा के नजदीक ये हादसा। जब रफ्तार बेकाबू हो जाए तो ऐसा ही दहलाने वाला मंजर सामने आता है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी गुरुवार की शाम अपने संसदीय क्षेत्र से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि हेमा बालाजी की भक्त हैं। उनका बालाजी के दरबार में नियमित आना जाना लगा रहता है। उसी सिलसिले में वो मथुरा से निकली थी। बालाजी के दर्शन कर बालाजी आती रहती है मैडम। अच्छा, कहाँ पर? मेहंदीपुर बालाजी की जानकारी है, मेहंदीपुर बालाजी आती रहती है मैडम। अच्छा, तो उसी के लिए दर्शन के लिए आई हूँ। तो लाल छोट चौराहे के पास में क्रॉसिंग पे। हादसे से पहले जब दौसा के करीब से गुजर रही थी तब उनकी मर्सिडीज भी तेज रफ्तार में थी। अनहोनी से बेखबर हेमा की मर्सिडीज तेजी से जयपुर की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन हेमा की कार जब दौसा से जयपुर की ओर करीब 40 किलोमीटर आगे एक तिराहे पर पहुंची तो अचानक मर्सिडीज के आगे ऑल्टो कार आ गई। दरअसल ऑल्टो सवार जयपुर से लालसोट की तरफ जा रहे थे। तिराहे पर ऑल्टो ने जैसे ही लालसोट की तरफ कार मोड़ी, हेमा की मर्सिडीज ऑल्टो से टकरा गई। पुलिस का कहना है कि मर्सिडीज की रफ्तार काफी तेज थी, इसीलिए हादसे को टाला नहीं जा सका। हालांकि हादसे के फौरन बाद जो लोग मौके पर पहुंचे थे उनका बयान पुलिस की कहानी से एकदम अलग है। इन लोगों का कहना है कि ऑल्टो गलत रास्ते पर आ गई थी। क्या वजह? दूसरी दिशा से गलत गाड़ी आ रही थी, उस वजह से यह हादसा हुआ। अच्छा। और इस हादसे के अंदर दोनों गाड़ी के अंदर सभी लोग थे जो काफी इंजर्ड हुए हैं। बहरहाल इस हादसे में घायल हुए ऑल्टो सवार लोगों के परिजनों ने हेमा मालिनी के ड्राइवर के खिलाफ दौसा में शिकायत दर्ज कराई है। दौसा से स्मिता शर्मा के साथ लक्ष्मीकांत और शरद कुमार, जयपुर आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।